हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम बाय बोर ठाकुर आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर बीन पब्लिश फ्रॉम 26 जून टू 1 जुलाई 2022 थाउजेंड वीडियो आपके यू एग्ज़ाम्स एज वेल एज ए एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं हमारे न्यूज़ के सोर्सेज जनरली द हिंदू पी आई बी दसाम ट्रिब्यून इंडियन एक्सप्रेस लाइव मिंट डाउन टू अर्थ टाइम्स ऑफ इंडिया वो सारे न्यूजपेपर होते हैं जहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होते हैं वी पिकअप न्यूज़ फ्रॉम दयर एंड प्रेजेंट हियर इन ईजी फॉर्मेट सो लेट्स वॉट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज वीडियो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा कैपस्टोन सेटेलाइट नासा ने हाल ही में कैप्स्टोन सेटेलाइट लॉन्च किया है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे देखते होंगे या पढ़ते होंगे कि इस जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो इसे रेलेवेंट यूएन ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है कि इस इंटरनेट शटडाउन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इस प्लास्टिक बैन इंडिया में फर्स्ट जुलाई टू से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो भी थे वो बैन होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस न्यू जे ऑफ ट्रिश्यू एक नया फॉजल पाया गया है हिमालय्स में यहाँ पर उसके बारे में ब्रीफ में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट इज़ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अगला टॉपिक है फोर्टीनथ ब्रिक्स समिट ये हाल ही में ऑर्गेनाइज़ किया गया है वर्चुअली बीजिंग में यहाँ पर इसको होस्ट किया है नेक्स्ट टॉपिक इज 2022 यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस अगला टॉपिक होगा अम्बूबाची मेला जो कि आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ये एनुअल मेला है एक एनुअल फेयर है हमारा आज का लास्ट का टॉपिक होगा फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन ओके सो लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइबर बो ठाकुर आई एकेडमी अकेडमी यूट्यूब चैनल लाइक करिए शेयर भी करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सारे अपडेट्स चाहे वीडियो हो पीडीएफ हो कोई भी स्टडी मटेरियल हो टेलीग्राम पे अपडेट किया जाता है साथ ही आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया पर भी बो ठाकुर आई एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं एंड ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल प्रेस प्रेस द बेलाइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कोई भी वीडियो हम रिलीज़ करेंगे सो लेट्स आर्ट द वीडियो एंड सी पहला टॉपिक हमारा क्या है आज का तो हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है केप स्टोन नासाज न्यू सैटेलाइट ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है ये इंडियन एक्सप्रेस का लगभग सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं वो सब न्यूज़पेपर में चाहे पीआईबी हो इंडियन एक्सप्रेस हो द हिंदू हो लगभग हर जगह न्यूज़ेस पब्लिश होते हैं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है जी पेपर थ्री का पार्ट है राइट न्यूज़ में क्या है कैपस्टोन नासाज न्यूली लॉन्च सेटेलाइट विल टेस्ट अ यूनिक लूनर ऑब्जेक्ट दैट विल बी यूज फॉर फ्यूचर मिशन ये न्यूज़ में है अब आगे हम डिटेलिंग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है तो हर सेटेलाइट रिलीज लॉन्च होते हैं बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं अलग अलग स्पेस स्टेशन से अलग अलग लॉन्चिंग पैड से लेकिन इस केप्स्टोन सेटेलाइट की खासियत क्या है क्या यूनिक है इस केप्स्टोन सेटेलाइट में तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एक माइक्रोवेव ओवन के साइज़ का है आपके घर में माइक्रोवेव होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैटेलाइट कितना बड़ा होगा जनरली हमारे माइंड में परसेप्शन होता है कि सैटेलाइट मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ऑफ मशीनरीज आई इन्वॉल्व एंड इट्स ह्यूज इन साइज लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक माइक्रोवेव के ओवन का साइज़ का है हम वेट की बात करें तो इसका वेट ओनली ट्वेंटी फाइव के जी का है राइट और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट होगा जो कि नियर रेक्टीलिनियर हेलो ऑर्बिट ये एक ऑर्बिट है मून का इस ऑर्बिट में पहला स्पेसक्राफ्ट ऐसा है जो कि वहां पर काम करेगा वहाँ पर फंक्शन करेगा राइट अब इस ऑर्बिट के बारे में डिटेल में हम थोड़ा आगे जानेंगे उससे पहले हम थोड़ा यूनिक फीचर्स यहाँ पर जान लेते हैं इस सैटेलाइट का और बताया गया है कि मून के ये नियरेस्ट जो डिस्टेंस कवर कर सकता है जहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकता है मान लीजिए ये मून है

यूएस और न्यूजीलैंड की कंबाइंड कंपनी है राइट सो दिस वाज द यूनिक फीचर ऑफ केपस्टोन सैटेलाइट अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है केपस्टोन मिशन है पूरा इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्ट ल्यूनार के कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई करना अब सिस्ट ल्यूनार क्या है ये भी आपके लिए हो सकता है नया टर्म हो तो हमने देखा ये मून है ठीक है या फिर अर्थ है सबका एक अपना ऑर्बिट होता है ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ होता है मतलब किसके चारों तरफ से रोटेट करते हैं मान लीजिए यहाँ पर मून है मून के चारों तरफ एक मून सॉरी अर्थ है अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट करता है एक ऑर्बिट में तो ये ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ होता है तो इसी तरीके से सिस्ल्यूनार मतलब क्या होता है कि मून के सराउंडिंग में कोई भी ऑर्बिट हो चाहे लो ऑर्बिट हो चाहे हाई ऑर्बिट हो कोई भी ऑर्बिट हो तो इस ऑर्बिट से लेके मून के सर्फिस के बीच के जो डिस्टेंस होता है या फिर स्पेस होता है इन स्पेस को हम सिस्ल्यूनार कहते हैं तो लूनार के कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई करना एक इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका अगला ऑब्जेक्टिव है हमने एक बात और देखा कि ये रेक्टेलियर हेलो ऑर्बिट जो है नियर रेक्टेनियर हेलो ऑर्बिट है इसके बारे में भी हमने बात नहीं किया इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ देन विल कम टू ऑब्जेक्टिव सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट इट एक्चुअली मीन्स तो यहाँ पर देखिए नियर रेक्टेनियर हेलो ऑर्बिट बताया गया है तो ये ऐसा स्पेस होता है ये ऐसा ऑर्बिट होता है या फिर अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो इसके जगह पे जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का अर्थ का बैलेंस्ड होगा हम जानते हैं अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशन पुल है मून का भी एक अपना ग्रेविटेशनल पुल है और दोनों का ग्रेविटेशनल पुल एक पॉइंट पे कहीं आके बैलेंस होना ज़रूरी है अब अगर यहाँ पर बैलेंस होगा तो जो सैटेलाइट होगा इजीली रोटेट कर सकता है यहाँ पर मून के सराउंडिंग में राइट तो ये एक ऑर्बिट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल जो पुल होता है मोस्ट बैलेंस होता है अर्थ और मून का जनरल टर्म से बात करें तो जो मून का ग्रेविटेशन है अर्थ का हंड्रेड टाइम होता है ठीक है मतलब कि मून पर ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है वो कम होती है और ऑर्बिट्स के टाइप्स की बात करें तो लो लूनर ऑर्बिट होते हैं लो ल्यूनर ऑर्बिट मतलब कि अर्थ के मून के जो सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट होता है उसे हम लो ल्यूनर ऑर्बिट कहते हैं और इसका ऑर्बिट पीरियड क्या है टू आवर्स का है अब ऑर्बिट पीरियड अगेन एक नया टर्म ऑर्बिट पीरियड यानी कि किसी भी ऑर्बिट में कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो मान ली हम सेटेलाइट भेज रहे हैं यहाँ पर तो इस सेटेलाइट को एक राउंड लेने में कितना समय लगता है उसे हम ऑर्बिट पीरियड कहेंगे तो लो लिनर ऑर्बिट का ऑर्बिट पीरियड है टू आवर्स वहीं डिस्टेंस रेट्रोग्रेड ऑर्बिट यानी कि जो दूर वाला है सबसे उसका ऑर्बिट पीरियड क्या होगा दो हफ्ते यहाँ से घूम के यहाँ आने में किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को चाहे सेटेलाइट हो चाहे नेचुरल हो उसे दो हफ्तों का समय लगेगा हेलो ऑर्बिट क्या होते हैं हेलो ऑर्बिट हमने यहाँ पर देखा ऐसे ऑर्बिट जहाँ पर अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल है वो सबसे मोस्ट बैलेंस प्लेस पे है और इसका जो ऑर्बिटिंग पीरियड है वन टू टू वीक है अब यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए ध्यान देने का बाल क्या है कि जो केपस्टोन सेटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका ऑर्बिट पीरियड अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है तो वो वन टू टू वीक होगा क्योंकि हेलो ऑर्बिट का जो ऑर्बिटिंग पीरियड है वो वन टू टू वीक है राइट नाउ कमिंग बैक टू ऑब्जेक्टिव अगला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एक हाई एफिशिएंट पाथ प्रोवाइड करना अब हमने देख लिया हेलो ऑर्बिट जो है हमारा बहुत ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल uh, पुल है बैलेंस है इसलिए एक बहुत ही एफिशिएंट पाथ हो जाएगा मून के सरफेस पे जाना वापस आना इसके अलावा एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन सर्विस शुरू करने के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया सेटेलाइट है बहुत ही बढ़िया मिशन है क्यों अभी जनरली जो प्रोविजन होते थे अर्थ से लेके अर्थ से मतलब कि अर्थ में सारा सिस्टम इंस्टॉल होता था यहाँ से नेविगेशन किया जाता था किसी भी सैटेलाइट का लेकिन केपस्टोन मिशन के बाद से ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि अब एक स्पेस से दूसरे स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट किया जा सकेगा राइट अगला है फाउंडेशन फॉर कमर्शियल सपोर्ट तो आगे चलकर हो सकता है दूसरे लोग भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहें या फिर हम और कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहें मून पे तो उसके लिए कमर्शियली ये बहुत ही रिलायबल बहुत ही सस्ता पड़ेगा और लास्ट में यहाँ पर एक लो अर्थ ऑर्बिट में हम जो भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमें एक रिलायबल प्लेस मिल जाएगा मतलब कि अगर यहाँ पर हम स्पेस स्टेशन या फिर कोई भी सैटेलाइट अगर यहाँ पर हम स्टैब्लिश कर लेते हैं इस ऑर्बिट में तो यहाँ से कोई भी काम करना आसान होगा इन कम्पेयर टू लॉन्चिंग इट फ्रॉम अर्थ राइट दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बहुत ही सा क्वेश्चन देखिए फैक्चुअल न्यूज है तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बनेंगे आपके वन डे एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पी में कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है सिंपल क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है तो क्वेश्चन है टर्म केपस्टोन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग पहला ऑप्शन है द न्यू जेम स्टोन फाउंड क्लोज टू अर्थ अब यहाँ पर जेम स्टो तो ही नहीं है ये सीधे सीधे ऑप्शन कट जाता है अ न्यू मॉस स्पीशीज दट हेज बीन आइडेंटिफाइड अब देखिए स्पीशीज की बात कर रहा है गेन यहाँ स्पीश से कोई रिलवेंसी नहीं है हमारा न्यू क्यूब सेट लॉन्च बाय नासा ने देखिए और यहाँ पर नियरिनियर सी है, तो है लेकिन सो आ करेक्ट आंसर वुड बी सी इन दिस केस मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट शट डाउन हर्ट मोर देन देन वी रियलाइज ह्यूमन राइट ऑफिस इसका रिपोर्ट है इन्होंने बताया है कि हमको जितना एहसास होता है उससे ज़्यादा हार्मफुल होता है इंटरनेट शट डाउन ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है जी पेपर टू और थ्री दोनों में आता है क्योंकि इसमें इंटरनेट है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ रिलेशन है और गवर्नेंस से भी रिलेशन है क्योंकि गवर्नमेंट ही इंटरनेट शट डाउन करता है जनरली राइट तो न्यूज़ में हम अक्सर देखते हैं कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगह की सरकारें सिचुएशन पे या फिर समय आने पे कहीं कहीं कर इंटरनेट बंद कर देती है जैसे हम जम्मू कश्मीर में इंडिया में बहुत सारा न्यूज आता रहता है कि यहाँ पर इंटरनेट दो तो दिन के लिए चार दिन के लिए बंद कर दिया गया अभी हाल ही में राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया गया था राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं पूरे स्टेट में कुछ पेस में ही इंटरनेट बंद किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है उस रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले इंटरनेट शट क्या होता है वो जान लेते हैं इंटरनेट शट नाम से ही क्लियर है इंटरनेट को बंद कर दिया जाना तो किसी भी एरिया में कोई डिस्ट्रप्शन है कोई डिस्टर्बेंस है कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पर जैमर या फिर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस एरिया का इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर देती है ना कि आपके फ़ोन में भी इंटरनेट होगा ना आपके वाईफाई से इंटरनेट चलेगा इंटरनेट वुड भी कम्पलीटली क्लोज अब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रिकॉर्ड की हम बात करें तो इंडिया अभी तक 106 बार इंडिया में नेटवर्क बैन या फिर इंटरनेट शटडाउन किया जा चुका है जिसमें से 85 फाइव टाइम्स सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में किया गया है मतलब कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्टर्ब एरिया है राइट right? रिपोर्ट्स की और फाइंडिंग्स की बात करें तो इन्होंने बताया है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल और इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करता है ऑब्वियसली अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो करते हैं बैंकिंग में जो काम होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है आजकल जनरली क्या गया है ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे ही काम होता है अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो सारा सारा काम इनका ठप हो जाएगा मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यू आर वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब सो एवरीथिंग विल बी स्टक बिकॉज इंटरनेट अवेलेबिलिटी विल नॉट बी देयर वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में कैलकुलेट किया है कि म्यांमार में जो इंटरनेट शट हुआ था उसको फेबररी से लेकर दिसंबर 2021 में लगभग 2.8 बिलियन यानी कि 280 करोड़ डॉलर से ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है राइट और इवन ये इनका इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो रिवर्स हो गया इकोनॉमिक प्रोग्रे, प्रोग्रेस प्रोग्रेस अक्सर क्या माना जाता है कि ऐसे चले ग्राफ, लेकिन इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या हुआ डाउनफॉल हो गया ठीक है और इसके अलावा सिविक लाइफ में जैसे कि सोशल डिबेट है एन का काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है इनका भी काम बंद हो जाता है हेल्थ और एजुकेशन के काम भी सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि हेल्थ में हम देखते हैं आजकल बहुत सारी मॉनिटरिंग इंटरनेट से होती है या फिर डेटा का ट्रांसफर होता है एजुकेशन में आप जानते हैं यूट्यूब से आप वीडियो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ऑनलाइन जो भी इंटरनेट से चीज़ें होती हैं उन सब में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी एक और समस्या है लैक ऑफ क्रिएटिविटी आजकल लोग अक्सर अपनी क्रिएटिविटी ऑनलाइन के सपोर्ट लेते हैं क्रिएटिविटी यानी कुछ डिज़ाइन करना है या कुछ भी करना है तो रिसर्च करने के लिए जो हमारा मेजर रिसोर्स uh, है वो इंटरनेट है तो वो भी यहाँ पर बंद हो जाता है तो ये एक मेजर इंपैक्ट है इंटरनेट का यहाँ से आपका मेन्स का प्री का दोनों क्वेश्चन बनता है अगर हम मेन्स के क्वेश्चन की बात करें तो वाट इज द सोशल एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑफ इंटरनेट शट डाउन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इट कैन बी आस इन यू एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो फैक्चुअल गेट टू नो ऑल फ्रॉम सेल टोल ने वर्चुअल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन ऑर्गेनाइज बाई एम ओ एफ सी सी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेइज किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए अभी यह क्यों किया गया क्योंकि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉटिफाई किया था फर्स्ट जुलाई से प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा अब यूज ही नहीं कोई अगर इंपोर्ट कर रहा है उसको इकट्ठा कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बेच रहा है यूज कर रहा है खरीद रहा है कुछ भी कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल, तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होना है चाहे वो पॉलिस्ट्रीन हो या फिर एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन हो कुछ भी हो सब को सिंगल यूज़ प्लास्टिक जितने होते हैं सब बैन होने हैं अब सिंगल प्लास्टिक आइटम होते क्या हैं नाम से ही बहुत ही क्लियर है ऐसे प्लास्टिक आइटम जिनको सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है उसके बाद उसको कूड़े में फेंक दिया जाता है इसमें क्या क्या आते हैं शैम्पू बॉटल शैशेज प्लास्टिक बैग पॉलीथीन के जो होते हैं कॉफ़ी टी ग्लासेस जो भी प्लास्टिक के बने होते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं बैन करने का जो मेजर जो सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है कि इनकी रिसाइकिलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल नहीं किया जा सकता है इसीलिए इनको बैन करने का प्रावधान यहाँ पर लाया गया है अब क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेबल होता है तो ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव हार्मफुल होता है इसलिए स्टेप लेना यहाँ पर बहुत ही जरूरी था राइट अब यहाँ पर क्या क्या बैन हुए हैं तो ये पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया गया है बलूनस प्लास्टिक प्लास्टिक के स्टिक सॉरी कैंडी स्टिक आइसक्रीम स्टिक पॉलिस्ट्रीन डेकोरेशन के लिए जो भी थर्मोकल यूज होते हैं प्लास्टिक प्लेट्स के कप्स ग्लास कटलरी जैसे फॉक स्पून नाइफ स्ट्रॉ जो भी पी से बने होते हैं और यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है पी के अगर बैनर हैं हंड्रेड माइक्रॉन से कम है तब भी उसको बैन किया जाएगा ठीक है और ये मैं बता चुका हूँ कि चाहे उसका बेचना हो या फिर किसी को देना हो यूज़ करना हो इकट्ठा करना हो सब कुछ बैन है जुलाई एक से और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ एटीन नाइनटीन के तहत पाँच साल की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पंचायती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इनको अपने लॉज बनाने के लिए परमिशन दी गई है कि वो अपने एरिया के हिसाब से अपने लॉज बना सकते हैं प्लस ये लॉ तो यहाँ पर रहेगा ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एटी सिक्स जहां पर अगर आप सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को यूज करते हैं बेचते हैं खरीदते हैं रखते हैं कुछ भी करते हैं आपको पाँच साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपये आपको जुर्माना भी दिया जा सकता है राइट यहाँ पर हम कुछ स्टेट्स देख लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन स्टेट वाइज तो इंडिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है थर्टीन परसेंट तमिलनाडु में बारह परसेंट होता है गुजरात में बारह परसेंट बंगाल में नौ परसेंट कर्नाटका में नौ परसेंट तेलंगाना सात दिल्ली सात परसेंट उत्तर प्रदेश पंद्रह परसेंट हरियाणा चार परसेंट चौदह परसेंट सॉरी चार परसेंट केरला चार परसेंट है मध्य प्रदेश तीन परसेंट है पंजाब तीन परसेंट और बाकी जो पचे स्टेट हैं वो ग्यारह परसेंट प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं हम प्लास्टिक वेस्ट पर कैपिटा की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है 2015-16 में 500 ग्राम था तो अभी जाके ये लगभग ढाई के के आसपास पास पहुंच गया है आगे रिपोर्ट्स में और बताए जा रहे हैं कि दो तक यानी इस साल के एंड तक पर कैप्टा प्लास्टिक कंजप्शन जो है सिंगल यूज प्लास्टिक कंजप्शन 20 के तक आ जाएगा राइट और सी का ये इस बोर्ड के हिसाब से एक रिपोर्ट आया है कि 8 परसेंट का जो टोटल तो, सॉलिड तो, तो, वेस्ट होता है उसका 8 परसेंट प्लास्टिक होता है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये प्लास्टिक वेट प्रोड्यूस किया जाता है उसका कोलकाता और अहमदाबाद और सात परसेंट प्लास्टिक ऐसे होते हैं सिक्सटी परसेंट ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है बाकी सब प्लास्टिक्स को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और वो कूड़े की तरह वो पहाड़ के कूड़े के पहाड़ की तरह इकट्ठा होते जाते हैं राइट इंडिया में फोर्टी थ्री परसेंट जो मैनुफैक्चर प्लास्टिक होते हैं मैनुफैक्चरिंग वाले वहाँ पर ये सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करते हैं पैकेजिंग वगैरह में और सबसे ज़्यादा घरों से ही प्लास्टिक वेस्ट निकलता है ठीक है सो so, दीज दी करेंट सीनियर अभी के सीनियर की बात करें तो अभी लगभग ग्यारह के है पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक यूएस में एक सौ नौ के जी है यूरोप में पैंसठ के जी है चाइना में थर्टी एट है इंडिया में इलेवन है जो कि आगे बढ़कर कर बीस तक हो सकता है यानी कि यूएस में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग या फिर सिंगल या प्लास्टिक यूज़ का होता है प्लास्टिक वाटर बॉडीज में भी जाती हैं जैसे डंप हम देखते हैं जो भी वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज़ में डंप किया जाता है इसके वजह से मुंबई केरला अंडमान निकोबार ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया माने जाते हैं ये प्लास्टिक के डेबरिक डेब्रिक की वजह से लगभग दो सौ सड़सठ स्पीशीज़ ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं प्लास्टिक में ओशन में इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं और ये इफेक्टेड होते हैं जिसमें से 86 परसेंट सी टर्टल हैं और 44 परसेंट सी बर्ड स्पीशीज़ हैं राइट बहुत सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी रिलीज होते हैं वाटर में वेस्ट वाटर में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का यहाँ पर हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे वी जस्ट हैव टू नो अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक बैन क्यों किया गया है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है राइट सो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है वॉट इज सिंगल यूज प्लास्टिक एंड वाट द कंसर्न एसोसिएटेड विद एंड हाउ कैन इट बी सक्सेसफुली फेस आउट इन द कंट्री तो ये आपका एक मेन सा क्वेश्चन है प्री का क्वेश्चन आप अगर सारे आप वहाँ पर पढ़ लिए हैं तो वहाँ से प्री क्वेश्चन ईजिली सॉर्ट आउट हो जाते हैं इवन वी हैव गिवन यू इनफ कॉन्सेप्ट एंड डेटा यू कैन राइट योर आंसर यूजिंग दोस इंफॉमेशन ओके मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक न्यू ट्री श्यू फॉजिल फाउंड इन जम्मू कश्मीर ये जी एस पेपर थ्री का सेक्शन है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के रामनगर एरिया में एक नया फॉजिल पाया गया है ट्री श्यू क्या होता है ये जैसे आपका स्क्रेल होता है उसी तरीके का एक मैमल था जो कि पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन अभी इसकी फॉजिल पाई गई है इसका एज जो है 2.5 से 4 मिलियन ईयर्स बताया जा रहा है इस फॉजिल के हेल्प से जो लोकैलिटी है जहां पर ये पाया गया है रामनगर में जिस लोकैलिटी में पाया गया है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां का क्या एज है वो पता लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा राइट और ये सबसे पुराना सबसे रेयर फॉजिल पाया गया है सेनोजोइक एरा से तो जो ये सेनोजोइक एरा है ये 66 मिलियन पूरा अर्थ का हिस्ट्री बताता है इस एरा को एरा ऑफ़ एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं इस समय मैमल्स बर्ड्स फ्लाविंग प्लान का डोमिनंस था पूरे प्लानट पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है कभी ठंडा होता था कभी गर्म होता था उस समय ये सारी चीज़ें होती थी राइट right? और जैसा कि मैंने बताया कि इससे इस, इस फॉज़ल के हेल्प से रामनगर की जो लोकेलिटी है उसका एज पता चलता है प्रिसाइसली तो यहाँ पर पाया गया कि ट्वेल्व पॉइंट सेवन से लेके एवन पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर्स पुराना है ये लोकेलिटी ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फाइनिंगस यहाँ का क्वेश्चन क्या बनता है Scientists have recently spotted साइंटिस्ट है स्मॉल मैम्बलिंग स्क्ल कॉल ट्री शू बिलोंगिंग टू न्यू जनरेशन species from कहाँ से पाया गया है अब यहाँ से चंडीगढ़ तो हमने अभी देखा न्यूज चंडीगढ़ है नहीं अंडमान निकोबार है नहीं लक्ष्मीप है नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था ये नेक्स्ट टॉपिक इस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जीएस थ्री पेपर के आप में आता है ये इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास यानी कि हवा में कोई मिसाइल आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एरियल टारगेट अभ्यास का लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट इसका शॉर्ट फॉर्म है ये चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसको लॉन्च किया गया है वहाँ से टेस्टिंग की गई 29 जून 2022 को फाइन इसके फीचर्स क्या है तो ये आर डी यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाया गया है डेवलप किया गया है और ये एक ड्रोन है यू ए वी यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल इसमें कोई इंसान नहीं होता छोटा सा ड्रोन टाइप का है और किसी भी मिसाइल सिस्टम को ये टारगेट करने के लिए बनाया गया है किसी भी नहीं इसका भी कुछ अपना स्पेसिफिकेशन होता है कि, कि किस रेंज के मिसाइल को ये टारगेट कर सकता है ये स्मॉल गैस और टर्बाइन इंजन से पावर्ड है और इसका जो नेविगेशन है वो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा बनाया गया है इसका जो भी इंटरनल या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है अब ये माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या है ये टेक्नोलॉजी सिंपल सी बात है ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर छोटे छोटे डिवाइसेस जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और मैकेनिकल डिवाइसेज हैं वो फिट किए जाते हैं क्योंकि मैकेनिकल एक मूविंग बॉडी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स भी मूविंग बॉडी होता है तो इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है ये बहुत ही लाइट वेट है रिलाईबल है और सबसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम पावर कम करता है तो कम पावर कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है कम फ्यूल डाला जाएगा कम फ्यूल मतलब इजिली ज्यादा दूर जा सकता है ठीक है और ये एक ऑटोनॉमस फ्लाइट है मतलब इसको कोई मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है पहले से पर सब क्लिक करके बना भेज दिए लॉन्च कर दिए जाके अपना काम करके वापस चलाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी प्रोसेस होता है ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट दैट न्यूज मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज फोर्टीन ब्रिक्स समिट ये जीएस पेपर टू का पार्ट है और आपका इसमें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स इसके बारे में हम जानेंगे और फोर्टीन्थ ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ वो भी हम देखेंगे तो अभी हाल ही में फोर्टीनथ ब्रिक्स समिट हुआ है वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है वहाँ ये उनके होस्ट थे इस साल का थीम जो है ये फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट यानी ग्लोबल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करने के लिए पूरा ये मीटिंग हुआ था इस मीटिंग में यू ए सऊदी अरेबिया इजिप्ट कजाकिस्तान इंडोनेशिया अर्जेंटेनिया नाइजेरिया सेनेगल और थाईलैंड ये सब भी यहाँ पर लोग मौजूद थे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में राइट यहाँ के मिनिस्टर्स मौजूद थे की हाईलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है तो ब्रिक्स जो है इनके बाद इनके बीच में जो बातचीत है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बात की गई साथ ही में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को भी ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया ताकि यूक्रेन में ह्यूमिटेरियन एड जो भी जा सके वहाँ पर वॉर हुआ है तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इसके लिए भी ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट कर रही हैं अफ़गानिस्तान को भी तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया है तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया और जो अगले डिस्कशंस थे इनिशिएटिव ऑफ डिनाइल ऑफ सेफ है टू करप्शन हम देखते हैं इंडिया से लोग जैसे विजय माल्या हो गए हैं मोदी जी हो गए ये हमारे पीएम नहीं सॉरी और स्कैम करके यहाँ से दूसरे देश चले जाते हैं पैसे लेके और वहाँ पर रहते हैं और कई जगह जैसे होती हैं टैक्स फ्री कंट्रीज होती हैं मान लीजिए स्विस बैंक स्विस बैंक का नाम आपने सुना होगा स्विस बैंक में सब अकाउंट खोलते हैं अमीर लोग या फिर करप्शन करने वाले लोग तो ऐसी चीज़ों को रोका जाए ऐसी चीज़ों को रोका जाए जाकर करप्शन को कम किया जा सके इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स तो डिजिटल इकोनमी वर्किंग ग्रुप ने एक अपने ई कॉमर्स को प्रमोट किया गया अपग्रेड किया गया है ताकि कस्टमर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहें ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा आजकल फ्रॉड हो रहे हैं नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं लोग प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों को तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया गया या फिर इसके ऊपर डिस्कशन किया गया ब्रिक्स क्या है तो ब्रिक एक शॉर्टकट uh, है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका का ये कंट्रीज के नाम है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये 2001 में ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट जीम ओ नील ने एक टर्म कॉइन किया था ब्रिक तो स्टार्टिंग में ये ब्रिक्स नहीं था इट वॉज ओनली ब्रिक बिकॉज साउथ अफ्रीका वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन तो नाम तब तो कौन कौन से कंट्रीज बचे हैं ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना 2006 में इसको फॉर्मलाइज किया गया ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा मतलब कि इन सारे कंट्रीज़ के ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए इन्होंने साइन वगैरह करके इसको फॉर्मलाइज किया ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को और 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद से ब्रिक कन्वर्ट हो गया ब्रिक्स में अगर हम शेयर्स की बात करें मतलब जीडीपी में कितना प्रेजेंट करते हैं तो ब्रिक की सारी कंट्रीज मिला के फोर्टी वन परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्लोबल पॉपुलेशन है ये और जीडीपी की बात करें मतलब कि जो इन सिर्फ पांच कंट्रीज में पूरे दुनिया के इकतालीस परसेंट पॉपुलेशन है आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये जी की बात करें तो ट्वेंटी ऑफ ग्लोबल जी और सिक्सटीन ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशन राइट क्वेश्चन से क्या बनता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाई ए पी ई सी द हेड क्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एस शंघाई ये डेवलपमेंट बैंक से देखिए कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप अबिक्स बन जाए अब ब्रिक्स से रिलेवेंट भी जो भी सेक्शंस आते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अब यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट में सब कंप्लीट करना है तो हर एक चीज डिस्कस नहीं किया जाएगा बट स्टिल यस जो भी आपसे न्यूज़ आ रहा है उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी कुछ कुछ भी रिलेटेड होता है उसको भी आप पढ़ लिया करिए तो यहाँ पर स मतलब right? अभी हाल ही में यूएन किया गया जीएस पेपर थ्री का हिस्सा है कंजर्वेशन में ये आता है यह भी डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है आज हमने डाउन टू अर्थ के दो आर्टिकल लिए हैं राइट right? तो न्यूज में क्या है दुनिया के अलग अलग देश पॉर्टिगल के कैपिटल लिप्जन में पहुंचे और वहां पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मीटिंग हुई इनका एक डिस्कशन हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वर्ल्ड ओशन में और यहां पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है वर्ल्ड ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पाया गया कि प्लानट अर्थ है जो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के ये तो पाया क्या गया ये तो बहुत ही ईजी है बहुत ही जानना सब समझते हैं कि ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है टेम्परेचर राइज कर रहा है क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं अभी आपने इस साल महसूस किया होगा कितना ज़्यादा गर्मी था अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं तो या फिर सदर्न प्लेन्स में भी रहते हैं तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा इस बार गर्मी हुआ था कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स तो इस मीटिंग में लगभग एक से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया और ये सत्ताईस जून से लेकर फर्स्ट जुलाई तक पूरा ऑर्गेनाइज़ हुआ था ये मीटिंग राइट इस बार का थीम है स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेटिंग इनोवेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लो सिक्सटीन स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सोल्यूशन ठीक है और ये जो ओशन कॉन्फ्रेंस है ये पॉर्टुगल के कैपिटल लिस्बन में यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे और ये दो कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया गया था केनिया और पोर्टुगल का तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन कि यू एन ओशन कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट किया था तो आपको ये तो पता है कि पॉर्टुगल ने होस्ट किया था लेकिन यहाँ पर को होस्ट भी था एक कंट्री जो कि केनिया है ठीक है एजेंडा क्या था मीटिंग का तो इस पाँच दिन के मीटिंग में एजेंडा बस इतना सा था कि ओशियन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ओशियन अब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ओशन एक बहुत ही बड़ा इको है अब ये फैक्ट आप जानते होंगे कि नाइन्टी ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद ओशन या फिर वाटर ठीक है अब जब अर्थ पे अर्थ क्या अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जब 125-30 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं या फिर इंसान रहते हैं स्पीशीज रहती हैं स्पीशीज तो और भी सारी हैं तो पानी में जहाँ पर पूरा निन्यानवे परसेंट यहाँ पर कितनी सारे स्पीशीज़ फ्लोरा फोना मैमल्स एनिमल्स बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे इंसान नहीं अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ तो उनको प्रोटेक्ट करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए एट दी एंड प्रॉब्लम्स आएंगे राइट right? तो ग्लोबल वार्मिंग से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एसिडिफिकेशन से पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके लिए सल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर सारा मीटिंग किया गया था वही सारे यहाँ पर डिस्कशन हुआ है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया जो कि बताएगा कि कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ओशन का कैसे कर सकते हैं उसके ओशन का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और एक टास्क फोर्स बनाया गया है इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो कि मरीन वाटर में जो मरीन में जो कूड़े वगैरह फेंके जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए पूरा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इसमें एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है कि कोई भी अगर एक्टिविटीज़ होती हैं क्या पनिशमल होगा क्या नहीं होगा इन सब के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है राइट और इलीगल फिशिंग को भी यहाँ पर चेक करने की बात की गई है कि कई कई जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा फिशिंग कर ली जाती है उसके वजह से भी पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है राइट डेट वॉज ऑल अबाउट दैट न्यूज़ अगला है हमारा कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी जी पेपर वन का हिस्सा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1566 सिक्सटी सिक्स अम्बुबाची साइंस फेयर अब यहाँ पर अम्बुबाची साइंस फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसका ये डिस्कशन का मुद्दा इसलिए रहा है क्योंकि दो साल से कोविड की वजह से यहाँ पर फेयर जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था लेकिन इस साल ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया तो इस फेयर के बारे में हम जान लेते हैं तो ये अम्बुबाची मेला जो है एक एनुअल हर साल एक हिंदू का रिलीजियस फेस्टिवल है और ये कामाख्या टेम्पल के आसपास ही मनाया जाता है आसपास पास के कामाख्या टेम्पल के अगल बगल ही मनाया जाता है गुवाहाटी में गुवाहाटी कहाँ है आसाम में कब सेलिब्रेट किया जाता है ये जून में सेलिब्रेट किया जाता है ये फुल मून डे से कोइंसाइड करता है जब यह फुल मून डे होगा जून में मानसून पीरियड में उसी दिन या उसी दौरान ये चार तीन चार दिन का ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है यहाँ पर और ट्रांसलेशन पर अगर हम देखेंगे फेस्टिवल मतलब कि अम्बू का मतलब क्या होता है तो अम्बू का मतलब ब्लड होता है जो कि वुमेंस के मैंसूरेसन साइकिल से मैच करता है संस्कृत में ये मैं अंबुक एक संस्कृत टर्म है जिसको ब्लड कहा जाता है और इसका मतलब होता है मैंसुरेशन राइट इसका दूसरे ट्रांसलेशन होते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड ठीक है तो ये कामाख्या टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है आसाम का इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है तो एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट कामाख्या टेम्पल ओवर हियर लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से आप कामाख्या टेम्पल के बारे में डिटेल में जान सकते हैं ठीक है तो ये मेला हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ये मैं बता चुका हूँ ऐसे समय ऑर्गेनाइज किया जाता है जब ब्रह्मपुत्र अपने पीक पे हो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अपने पीक पे हो क्योंकि बारिश होती है मानसून का समय होता है मानसून समय नदी में बाढ़ आती है और जब वुमेनहुड अटेंड करती हैं आसाम में तो वहाँ पर एक रिचुअल सेलिब्रेट किया जाता है बिया तो के नाम से तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये एक, एक तरीके की स्मॉल वेडिंग होती है क्योंकि मतलब कि वुमेंस का लेडीज का जो होता है पहला पीरियड आता है तो ये सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है ये यहाँ का कल्चर है ठीक है सो दिस वॉज अलाउड आउट बच्ची मेला यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जोग्रफी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जैसे नीलांचल हिल का लोकेशन कहाँ है नीलांचल हिल पे ही वो कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है तो अब नीलांचल हिल कहाँ है वो उसका लोकेशन पूछा जा सकता है शक्तिपीठ का लोकेशन पूछा जा सकता है शक्तिपीठ ये जो कामाख्या टेम्पल है ये एक शक्तिपीठ है शक्तिपीठ क्या है शक्तिपीठ लॉर्ड शिवा के कंपेनियन जो वाइफ थी उनमें उनके बॉडी पार्ट्स 51 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे कुछ इनका एक स्टोरी है एम नॉट गोइंग टू टेल यू स्टोरी हुई है इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट लेकिन उनका एक हिस्सा यहाँ पर आके गिरा था योनी इसीलिए ये कामाख्या टेम्प है इक्यावन पीठों में से एक शक्ति पीठ है ठीक है तुलोनी बिये क्या है ये भी हमने डिस्कस किया तुलोनी बिया के बारे में ये महाकुंभ मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और हिमालय का डिवीजन भी क्वेश्चन में आ सकता है तो यहाँ से इन सेक्शन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक से ठीक है हमारा लास्ट का टॉपिक है आज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ये सेक्शन जी टू का सेक्शन है इस साल एक नया रिपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया है ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी के लिए एटीन नाइनटीन और 1920 19, ट्वेंटी के लिए अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर एक सेंट्रल फर्स्ट लेवल परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट तो ये अभी तक का सबसे पहला परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है कि उन कौन से डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर ठीक है अब ये जो इंडेक्स है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट पे कैसा परफॉर्मेंस है स्कूल का तो यहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल एजुकेशन में जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाएगा और उनको रैंक्स प्रोवाइड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट्स को और ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे तो यूनिफाइड डेटा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे तो यहाँ से डेटा इकट्ठे किए जाएंगे ठीक है तो इसमें क्या क्या देखे जाएंगे पैरामीटर्स क्या क्या कंसिडर होंगे जिसके बेसिस पर स्कोरिंग की जाएगी तो लर्निंग आउटकम्स क्या है क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम का जो ट्रांजेक्शन है सॉरी हाँ ट्रांजेक्शन है एक दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं टीचर वगैरह ये क्या है सही से है कि नहीं है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है बच्चों की सेफ्टी है कि नहीं है प्रोटेक्शन है कि प्रॉब्लम नहीं है डिजिटल लर्निंग क्या है गवर्नेंस क्या है स्कूल का सारी चीज़ें देखी जाएंगी स्कोरिंग करने के लिए हम बात करें स्कोर्स की तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको 90 परसेंट ज़्यादा मिला है एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है एट्टी से 90 परसेंट स्कोर करने वाले तीन डिस्ट्रिक्ट हैं तीनों राजस्थान के हैं अभी डिटेलिंग हम देखेंगे सेवेंटी वन से एटी परसेंट स्कोर करने वाले एटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्सटी वन से सेवेंटी परसेंट स्कोर करने वाले टू सेवेंटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट हैं इसी तरह अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिजिटल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर सेवेंटी वन से एटी परसेंट डिजिटल जो पढ़ रहे हैं जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जैसे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर एट है सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट फोर्टी ये डेटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर राइट right? फाइंडिंग्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया टॉप परफॉर्मर जो है राजस्थान के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं शिकार झुंझुनू जयपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को 81 से 90 परसेंटेज के बीच में स्कोरिंग मिली है 100 में से ठीक है और इनके स्कोर्स हैं 488, 486, 482 600 से अभी ये परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर ये मार्किंग दी गई है आप परसेंटेज निकालेंगे तो 81 से 90 के बीच में ही आएगा और डिजिटल लर्निंग कैटेगरी के बीच में ट्वेंटी परसेंट ऐसे डिस्ट्रिक्स हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें बीस परसेंट ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया मान लीजिए अगर कोई साठ परसेंट के स्कोरिंग पे था तो इंप्रूवमेंट करके वो अस्सी परसेंट पर आ गए हैं ठीक है और जो सबसे लोएस्ट स्कोर के डिस्ट्रिक्ट हैं वो है साउथ हमारा मंगचर आसाम में है अली रजपुर मध्य प्रदेश में है और नॉर्थ गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स मेघालय में, में है ये सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इंडेक्स और इस सिग्नेस यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस सिंपल सा बात है कहीं पर भी अगर इंडेक्स राजी, जारी किया जाता है तो इंडेक्स का मतलब होता है कि सबको रैंकिंग प्रोवाइड करना है तो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस आएगा कि अगर आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छा स्कोर मिला है उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं पर्क्स मिल रहे हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी मोटिवेट होंगे कि और अच्छा हम परफ़ॉर्म करें ताकि अगली बार हमारा स्कोर अच्छा है तो इससे अल्टीमेटली जो है एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगा राइट तो ये इसका एक मेजर सिग्निफिकेंस है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स